जय हिंद, कैसे हो आप सब। ये वीडियो है राजनीति को लेकर के। वर्तमान समय में पूरे देश में चुनाव का माहौल है, हर राज्य में थोड़ा चुनाव हो ही रहा है और इस चुनाव 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। कांग्रेस अपनी पूरी प्रयास कर रही है सत्ता में आने की, अन्य दलें भी अपना पूरे प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आने का। और दोस्तों, ये हालात ऐसा है कि एक बार भारत को अपना फिर से इतिहास दोहराना पड़ जाएगा। और ये हालात ऐसा लग रहा है कि इस बार भारत की राजनीतिक व्यवस्था अपना इतिहास फिर से दोहराएगी। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान परिस्थितियों को नज़र देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको 1975 25 जून के दिन का, जिस समय हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। और ये ना मैं चाहता हूँ, ना आप चाहते हैं, ना ही देश का कोई भी व्यक्ति चाहता होगा कि फिर से हमारे देश में आपातकाल जैसा माहौल लग जाए। जी हाँ दोस्तों, 1975 को 25 जून के समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। जिस आपातकाल लगाने का मुख्य कारण ये था कि उनके विपक्ष जितनी भी पार्टियां थी, सभी के सभी रामलीला मैदान में उनके खिलाफ धरना दे रहे थे। छात्र आंदोलन का माहौल था, देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इसीलिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के दौरान ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जो इंदिरा गांधी जी ने गैरकानूनी किया, एक हिसाब से कह सकते हैं कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त गएगी शाह आयोग नामक एक शाह आयोग था, जिन्होंने ही जाँच पड़ताल करने के बाद ये अपना रिपोर्ट दिया था कि इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, वो आपातकाल लगाना इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं था। आपातकाल के दौरान जितने भी विपक्ष पार्टी थे जो धरना दे रहे थे, उन सभी को इंदिरा गांधी जी ने बिना कोई कंप्लेंट लिए, बिना कोई सबूत के उठा के जेल में बंद कर दिया सीधा। उसके बाद जितने भी न्यूज चैनल थे उनको यह आदेश दिया गया कि आप लोग सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं छापेंगे और आपको न्यूज लिखने से पहले सरकार की व्यक्तियों से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हमारे अधिकारी जाएंगे, चेक करेंगे कि आप न्यूज़ में क्या छापने वाले हो, जो कटवाना होगा वो काट देंगे, उसके बाद आप न्यूज चैनल में छापेंगे। ये स्थिति थी हमारे भारत की 1975 का। दोस्तों, उस समय ऐसा हुआ था कि जो इंदिरा गांधी थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शासन में आ चुकी थी, उनको हराने के लिए पूरे देश के जितने भी राजनीतिक सत्ता थे, जितने भी पार्टियां थी, सभी ने गठबंधन किया और उसी को 1989 का गठबंधन का युग कहा जाने लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए पूरे देश के सभी पार्टियों ने गठबंधन करके एक पार्टी बनाई और एक पार्टी बना करके इंदिरा गांधी जी से सीधा चुनाव में टक्कर लेने के लिए खड़ी हो गई। और उस समय एक पार्टी जो थी वो इंदिरा गांधी जी को चुनाव से हरा दिया। अगली जो पार्टी बनी, उस पार्टी में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शासन कर पाए ठीक से। कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री सिर्फ एक महीने के लिए बन रहा था, कोई ऐसा था जो 6 महीने के लिए बन रहा था, कोई ऐसा था जो 3 महीने के लिए बन रहा था। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी तो हार गई, लेकिन उसके बाद की जो पार्टी बनी वो भी देश को नहीं चला सकी। तो ऐसा हालात इस समय हमारे सामने आ रहा है 2029 के चुनाव के समय। ऐसा हो सकता है कि यदि 2024 में बीजेपी ने 400 सीटें पार किया और देश में सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बन गई, तो उसको हराने के लिए 2029 में ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टियां गठबंधन बना करके एक पार्टी हो करके और नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी बीजेपी है उससे टक्कर ले। और ऐसा यदि चुनाव होता है दोस्तों, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर जो ऐसा हो गया तो जो उस समय हुआ था वही इस समय फिर से होने वाला है। क्योंकि इस समय ऐसा होगा कि जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी को हरा के जो सत्ता में आएगी 2029 के चुनाव में, उसका भी यही होगा कि यही बहस होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों, पार्टी बहुत सारी होंगी, बहुत सारे पार्टियों का एक पार्टी गठबंधन होगा और इस गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि सभी लड़े कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। दोस्तों देखा, दोस्तों ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश पर शासन करता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो पार्टी में शामिल है
ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं, हर कोई चाहेगा कि मेरी पार्टी है, गठबंधन हुआ है तो सभी पार्टियां मिलकर ही हुआ है, सभी पार्टी के लोग चाहेंगे नहीं हमारा आदमी प्रधानमंत्री बने, हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ऐसा इस बहस हो सकता है और ये बहस हुआ भी था पहले और अभी वो फिर से इतिहास दोहरा करके ऐसी स्थिति आने वाला है। दोस्तों जो व्यक्ति पावर में है, जिसके पास प्रधानमंत्री का पद है, वो कभी भी उस पद को नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे उसे अपने पद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, वो अपनी पावर को कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। और इसीलिए उस पावर को छुड़ाने के लिए जितने भी विपक्ष पार्टी होंगे अपना पूरा प्रयास करेंगे और ये 90% पॉसिबल है कि 2029 का चुनाव भारत को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाए, क्योंकि उस समय यदि बीजेपी 400 सीटें पार होती है तो सभी के सभी पार्टियां गठबंधन करेंगी और गठबंधन करके और बीजेपी को तो पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगी। और ये दोस्तों अगर जो ऐसा हो गया तो भी दिक्कत है, ना हुआ तो भी दिक्कत है, अगर बीजेपी उन सभी को हरा दी तो भी बीजेपी एक हिसाब से तानाशाह वैली में चल जा सकती है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, अगर जो बीजेपी सबसे ज़्यादा पावरफुल सीटों के साथ जीत कर सत्ता में आती है तो दोस्तों वो देश के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी भी देश के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो देश में परिवर्तन ला सकते हैं, वो संविधान में परिवर्तन ला सकती है, संविधान का संशोधन कर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास होगी, सबसे ज़्यादा शक्ति उसे के पास होगी। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में ऐसा लगता है कि देश का इतिहास फिर से एक बार दोहराने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करने से रोक सकते हैं, और कैसे रोक सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, आपको खुद पता है कि इसको कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों इस देश की राजनीतिक स्थिति को एक हिसाब से बैलेंस करके रखना है, न ये पार्टी ज़्यादा हो न वो पार्टी ज़्यादा हो, ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी भी देश के लिए हानिकारक होती है और ज़्यादा गठबंधन की हुई पार्टी भी देश के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा गठबंधन वाली पार्टी देश के राजनीतिक सत्ता को संभालेगी तो उसमें यही बहस होगा कि कौन प्रधानमंत्री बने कौन न बने, क्योंकि पार्टियाँ बहुत सारी शामिल होंगी तो इसमें दिक्कत हो सकता है। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।